जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बने बारूद उसको क्या कहते हैं आपको और मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप बस इस बात पे फोकस करो कि आज मैं एलिस विद अरविंद में किस मूवी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो घर पे वो पुराना टेप रिकॉर्डर आपको याद आ रहा है जिसमें स्टॉप, पॉज, रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड ऐसे प्यारे प्यारे बटन्स थे। हम रिवाइंड पे प्रेस करेंगे और आज हम सीधे चले जाएंगे टू 1989। मैंने प्यार किया रिलीज हुई और सलमान खान बन चुके थे यंगर जेनरेशन के, माने उस जमाने के यंगर जेनरेशन के नेक्स्ट सुपरस्टार। इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर चालबाज और राम लखन हिट हुई। यश चोपड़ा रॉक द बॉक्स ऑफिस विद चांदनी। लेकिन किंतु परंतु एक और मूवी थी जो हिट हुई और जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनके एक्सपेक्टेशन में, जहन में नहीं था कि ये पुराना फॉर्मूला वापस हिट हो सकता है। बिकॉज इसके पहले भी मल्टी स्टारर मूवीज रिलीज हुई थी बॉलीवुड में, बट समथिंग अबाउट दिस मूवी क्लिक्ड लाइक नेवर बिफोर। क्या अभी भी सोच रहे हो मैं किस मूवी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं? A-List with Arvind। त्रिदेव मूवी के डायरेक्टर हैं राजीव रॉय, और राजीव राय है गुलशन राय के सुपुत्र। गुलशन राय पुराने जमाने में मशहूर प्रोड्यूसर, जॉनी मेरा नाम, त्रिशूल, विदाता और दीवार ऐसी कई फिल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस किया है। सो छोटे राजीव राय एक्चुअली ग्रू अप वॉचिंग यश चोपड़ा जी, और उनके चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस में गोल्डी साहब भी रहे हैं, यानी हमारे प्यारे विजय आनंद। इन दोनों का इन्फ्लुएंस इनकी फिल्मों में आपको खासम खास नजर आएगा। बहुत कम लोगों को पता है दैट राजीव राय आल्सो वर्क्ड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद यश चोपड़ा इन सम ऑफ हिज मूवीज। और उनकी जो सबसे पहली मूवी थी उसका नाम था युद्ध। युद्ध बॉक्स ऑफिस पर उतनी चल नहीं पाई, लेकिन इसके बाद जब त्रिदेव मूवी का स्क्रीन प्ले राजीव राय ने लिखा, कुछ खास नहीं था। तीन हीरोज, तीन हीरोइन, एक कॉमन विलेन, द सेम फॉर्मूला रिपीटेड इन विश्वात्मा इयर्स लेटर। लेकिन आपको पता है मुझे क्या अच्छा लगा बहुत त्रिदेव? VHS का जमाना था। आई रिमेम्बर द प्रिजन ब्रेक सीक्वेंस, द बैकग्राउंड स्कोर, मतलब हीरो हेलीकॉप्टर में लैंड कर रहा है, इस तरह का ऑडिशियस एक्शन सीन हमने आज तक सिर्फ हॉलीवुड में देखा था। लेकिन बॉलीवुड वेंट वन स्टेप अहेड एंड दैट इज वाई त्रिदेव रिमेन्स स्पेशल। त्रिदेव मूवी का जिक्र हो और हम म्यूजिक के बारे में आपसे बात नहीं करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिजू शॉ की बैकग्राउंड स्कोर stands the test of time. लेकिन काफी कम लोगों को पता है कि इस मूवी के जितने हिट गाने हैं were loosely inspired by some pretty popular English numbers. इस मूवी का सबसे पहला सुपर डुपर हिट गाना ओए 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 ओए। सिर्फ यही नहीं, इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर यानी नरेशन डन बाय नसरुद्दीन शाह, ये भी इंस्पायर्ड है फ्रॉम Someone's been talking and I've got the blame। मुझे आज भी याद है जब त्रिदेव मैंने पहली बार VHS पे देखा था, उसका मजा और उसका नशा ही कुछ और था। अच्छा, नशा से याद आया, हमारे ऑफिशियल YouTube पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि त्रिदेव मूवी में आपका फेवरेट सीन कौन सा था। एंड लेट अस नो कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम किन मूवीज के बारे में बात कर सकते हैं ऑन A-List विद अरविंद। रेडियो नशा।